अगर आपको भी गुलाब जामुन बनाना झंझट लगता है और हमेशा फेल हो जाते हो गुलाब जामुन बनाने में, फिर चाहे आप मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बना रहे हो, सूजी से बना रहे हो या फिर मावा से बना रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद अब कभी भी फेल नहीं होगी गुलाब जामुन बनाने में। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इन गुलाब जामुन को 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लोगे बहुत ही ज़्यादा आसान विधि से। और ये देखिए गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं अंदर से, बिल्कुल इसमें गांठ नहीं है, बिल्कुल भी इसमें हार्डनेस नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इन गुलाब जामुन को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इंस्टेंट जो मिक्सर आता है बाज़ार से वो ले रही हूँ, जो टॉप का हैप्पी किचन है, और बहुत ही बढ़िया ये जो है मिक्सर है, इससे आप 30-40 गुलाब जामुन 80-90 रुपये में बनाकर तैयार कर लोगे। तो इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए हम पैक खोलेंगे और किसी बर्तन में डाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने इसमें लम्स होते हैं, मोटी मोटी गुठलियाँ बन जाती है पैक के अंदर, किसी भी स्पून की हेल्प से आप इसको अच्छे से मैश कर ले। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाना चाहिए इसका। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 ml के करीब दूध लेंगे। तो इतने मिक्सर को तैयार करने में 100 ml से लेके 110-120 ml तक दूध चला जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस टाइम 100 ml दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसको गूंथना नहीं है, बिल्कुल हल्के से हाथों से या हल्के से स्पून से इसको चलाते हुए थोड़ा सा बस इकट्ठा सा ही कर लेना है। ऐसा नहीं है जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गूंथ लेते हैं तो आपके जो गुलाब जामुन है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनने वाले हैं। जैसे आप उनको ऑयल के अंदर डालोगे तो वो फट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको बाइंड कर लेते हैं हाथ से। तो बस हमें इसको इतना ही इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना है। तो टोटल जो है यहाँ पर 100 ml दूध लग चुका है इतना मिक्सर बनाने के लिए। तो इसको हम तैयार करके क्या करते हैं, इकट्ठा करके इसको छोड़ देते हैं साइड में। तो ये देखिए आपका जो डूह है इतना सॉफ्ट तो होना ही चाहिए कि आप इसके गुलाब जामुन आसानी से बना सको। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सिरप बनाते हैं। सिरप बनाने के लिए लगभग यहाँ पर 500-600 ग्राम हम चीनी लेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पर कप का मेजरमेंट किया है, 2 कप यहाँ पर मैंने चीनी ली है। तो हम यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे इसमें और इसकी हल्की सी चाशनी बनाएंगे। चाशनी कोई तार वाली नहीं बनानी है, बस हमें जैसे शहद होता है ना चिपचिपा सा, इस तरह की चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है। तो जैसे इसमें मोटे मोटे से बबल आने लगे, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये काफ़ी चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपने यहाँ पर पानी ज़्यादा डाल दिया तो आपकी चाशनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। कितनी बार होता है जैसे हम 2 गुना पानी डाल देते हैं तो चाशनी जो है बहुत पतली हो जाती है। तो इस तरह की बस चिपचिपी चाशनी बना के हमें तैयार कर लेनी है। तो इसको हमें साइड में रख देना है। अब हम जो है गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं यहाँ पर जो गुलाब जामुन है 4 चून के रिफाइंड में बना रही हूँ। बिल्कुल वही टेस्ट आता है जैसे हम घी में कोई चीज़ बनाते हैं, और आप 4 चून के रिफाइंड में बनाओ तो वही टेस्ट आता है, और घी आजकल जम भी जाता है। तो मैं यहाँ पर इसलिए 4 चून रिफाइंड का यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, ऑयल उसमें डाल दिया है हल्का सा, जब तक वो गर्म होगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हम ये डो देख लेते हैं। डो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। हल्का सा घी से ग्रीस करके इस डो को इकट्ठा कर लेंगे। गूंथना नहीं है हमें बिल्कुल भी, जैसे मावे का डो बनाते हैं हम गुलाब जामुन बनाने के लिए, बस इसी तरह का हमें डो बनाना है। तो हल्का सा घी लेंगे, हाथों को ग्रीस करेंगे और इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप इस मिश्रण से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, इसके गुलाब जामुन आपको मोटे मोटे नहीं बनाने हैं, जितना हो सके बारीक से बारीक बनाइए। जैसे कंचे होते हैं जो गोटिया बोला जाता है, इतने मोटे साइज़ के बनाइए तो बहुत मोटे गुलाब जामुन हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक। और आपने बड़े बना दिए तो वो चाशनी में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो हमें साथ की साथ ही गुलाब जामुन को बनाना है, यानी एक बैच तैयार कर लेना है बना के, तब हमें दूसरा बैच बनाना है जब इसको कढ़ाई में डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही बना के रख ले और बाद में इसको तलने के लिए जाए, नहीं तो उन पर सूखी पपड़ी आ जाएगी। तो साथ ही साथ एक बैच तैयार कीजिए और बनाइए। तो गुलाब जामुन गोलाकार के भी बनाए जाते हैं, और इस तरह के जो गुलाब जामुन होते हैं थोड़े लंबे आकार के, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव अच्छे लगते हैं। तो मैं तो हमेशा बनाती हूँ उस तरह के गुलाब जामुन। तो आप चाहे तो इस तरह के गुलाब जामुन भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है एक बैच हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और जो उधर है ऑयल भी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो बस हमें जो ऑयल है इतना गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पर गुलाब जामुन को डालें तो वो डायरेक्ट एकदम ऊपर आने लगे। जब ये हल्के से सीक जाए तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी पैन में या कढ़ाई में बना रहे हो तो उसको किसी चीज़ से पकड़ के इस तरीके से आप तेल को घुमाएं या घी को, डायरेक्ट गुलाब जामुन को टच ना करें स्पैचुला स्पून की हेल्प से। तो ये देखिए धीरे धीरे जब ये घूमेंगे तो क्या होगा, नीचे गुलाब जामुन लगेंगे नहीं और अच्छे सीकेंगे। और ये गुलाब जामुन बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आया है। तो ये देखिए गुलाब जामुन को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑटोमेटिक ही जिस साइड से ये सीख रहे हैं ऑटोमेटिक ही गोल गोल घूम के ऊपर आ रहे हैं। तो जो सिकी हुई साइड है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है और जो कच्ची साइड है वो नीचे चली जाती है। तो ये देखिए हमें जो है ये लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक जो है तल लेने हैं, बाकी अगर आप इनका कलर डार्क करना चाहते हैं तो थोड़ा और भी तल सकते हैं। तो गरम गरम चाशनी में हम इन गुलाब जामुन को डाल देंगे। तो ये गुलाब जामुन चाशनी में जाने के बाद 5 ही मिनट लगेगी, इतने ज़्यादा फूल के मोटे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे कि यकीन करना मुश्किल है मेरी माने तो। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर जो है मेरी चाशनी काफ़ी कम रह चुकी थी, जैसे मैंने पहला बैच डाला चाशनी पूरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने और चाशनी बना के यहाँ पर डाल दी है। तो ये देखिए ओनली 200 ग्राम पैक से हमारा जो है कम से कम 30 से 40 हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जो मैंने पहला बैच कढ़ाई के अंदर डाला था वो काफ़ी मोटा हो चुका था फूल के, बाद में मैंने थोड़े से हल्का कर दिया था गुलाब जामुन को और यहाँ पर मैंने इनको एक बाउल में निकाल दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा गुदगुदे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बाज़ार में तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस तरह के गुलाब जामुन हमको मिलते होंगे खाने के लिए देखने के लिए। तो 80-90 रुपये में कम से कम हमारे यहाँ पर 250-300 रुपये के गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं और मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इसके अंदर ना तो बिल्कुल भी कोई गांठ है ना कोई हार्डनेस है, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन है। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।